सम्मान का दामपुर राष्ट्रीय शहीद स्मारक मंदिर। देखिए, मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी कहा कि मानगढ़ धाम हमारी श्रद्धा का विषय है। 1500 भील समाज के आदिवासी समाज के लोग शहीद हो गए 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में। उनको नमन करने ही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये सियासत का विषय है ही नहीं। और जो विकास हुआ है मानगढ़ धाम पे वो सबको दिख रहा है और वो है, कभी अलग से इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा अभी विषय ये है कि ये मानगढ़ धाम को या जो इसकी धूली है, जो उसको नमन करने का विषय करता है, धूली वंदना ऐसा करके कार्यक्रम दिया है। और ये संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम है और मंत्रालय जो होता है वो सरकार जब काम करती है तो किसी अलग अलग महकमों को, जैसे विरासत संरक्षण, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बड़े सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी 15 अगस्त हमारे 2022 को जो प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए हैं उसमें भी एक प्रण है विरासत संरक्षण, और ये विरासत संरक्षण का ही विषय है। ये उनको समझा दीजिए कांग्रेस को भी कि ये विरासत संरक्षण का ही विषय है। क्या किया दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी हमारा ये सियासत का विषय नहीं है, हमारा विषय श्रद्धा का है। मंत्री बमणिया यूं कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर में चुनाव है, ये सिर्फ खाली चुनाव के लिए। फिर हमने कहा ये सियासत का विषय नहीं है, उनको करना गुजरात में करें काम अपना जो भी करना है, हमारा विषय श्रद्धा का है। और मैं यहाँ कई बार आ गया तो चुनाव को देख के आया हूँ क्या? ये प्रधानमंत्री जी के मन का विषय है कि इस स्थान का डेवलपमेंट होना। मुझे क्यों भेज रहे हैं वो बार बार? अशोक गहलोत साहब तो किसी मंत्री को नहीं भेज रहे हैं ना, कहा मानगढ़ धाम जाके आओ डेवलपमेंट करो, क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या प्लान बन सकता है, मुझे क्यों भेज रहे हैं? उनके श्रद्धा का विषय है ये। थैंक यू।